ये डिस्कार्ड मित्र वीडियो पार्ट टू है। इसमें हम जो डिस्कार्ड में से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं डिस्कार्ड मेथड क्या होता है। डिस्कार्ड मेथड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, जिसमें हम जो रूट्स फाइंड करते हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फ्रेंड्स, बाइक्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर जो है 4 होता है, यानी उसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट कर देता है तो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। यानी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ और नहीं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है। डिस्कार्ड मेथड लगाने के लिए एक कंडीशन है कि इसमें जो इक्वेशन होगा, जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉर्मेट है, ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, जिसमें जो है एक्स के पावर क्यूब नहीं है, यानी इस पर हम डिस्कार्ड मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्ट जो है एक्स के पावर स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसको हम सॉल्व करके रूट फाइंड करेंगे डिस्कार्ड मेथड लगाते हुए। देखिए ये वाला इक्वेशन है, और फ्रेंड्स इस इक्वेशन में आप देखोगे तो एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, यानी एक्स के पावर क्यूब यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कार्ड मेथड लगाने के लिए कंडीशन है कि एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का यूज़ करेंगे। तो वो जो कि एच होता है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा बताया हुआ है, चाहे तो पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको निकालने का सिंपली तरीका ये है कि जो आपका माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ रूट्स, तो उसको माइनस बी, तो माइनस कितना है आपका 6 है, ये कितना है फ्रेंड्स, तो ये आपका 1 है। उसके बाद जो जितना मैक्सिमम पावर होता है उसको जो है नीचे करते हैं 1/4, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस ये प्लस हो गया 6/4, और ये 3, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2, यानी 3/2 होगा h इक्वल टू, ठीक है। h इक्वल टू हमारा 3/2, ऐसे लिख लेते हैं 3/2। यानी हमें x के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट हटाना है, यानी 6 को हटाना है, 6 को जीरो करना है, तो हमें 3/2 से इसके रूट्स को डिमिनिश करना होगा, कम करना होगा। तो मैंने यहाँ h इक्वल टू 3/2 लिख दिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/2 जो फ्रैक्शन में आएगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा हमें सिंथेटिक डिवीजन करने में, डिमिनिश करने में, इसलिए मैंने क्या किया, 2 से इसके रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर को जो धीरे धीरे एक एक करके इंक्रीज करेंगे, 0, 1, उसके बाद 2 जो है, ठीक है ना, इसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 ही हम लेंगे। अगर आपको सीखना है कि इक्वेशन के रूट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप प्रॉब्लम 1.1 बी एस वाल देखिए, वो मिल जाएगा उसमें। तो फ्रेंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, हम वाई के फॉर्म में बना दिए, नया इक्वेशन जो हमने वाई के फॉर्म में बना। अब वाई क्या है फ्रेंड्स, वाई है 2x, यानी रूट्स का 2 गुना है, ठीक है। जो वाई का फॉर्म बना ये क्या है, 2 गुना है एक्स के रूट से। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कट गया, तो बचा हमारा 3, यानी हम जो अब 3 से डायरेक्ट जो इस रूट को डिमिनिश करेंगे, मतलब इसके जो रूट हैं उसको 3 से डिमिनिश करेंगे। तो ये हमारा जो नया इक्वेशन बना, इसको हम लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए, और इसको 3 से डिमिनिश करते हैं। तो डिमिनिशिंग कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग कैसे करते हैं, उसका वीडियो बन चुका है। तो 3 से डिमिनिश करने के बाद फाइनली फ्रेंड्स मेरे हमारे सामने जो है, हमारे सामने ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को मैंने एक्स के फॉर्म में लिखा है, अब इसे जेड के फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि एक नया इक्वेशन बना, ये डिमिनिश हो गया है, ठीक है। तो ये जो है नया इक्वेशन जेड के फॉर्म में मैंने बना दिया, क्योंकि एक्स तो इक्वेशन में था, वाई मैंने फिर से बना दिया मल्टीप्लाई करके, अब जेड यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। तो जेड क्या है फ्रेंड्स, जेड जो है वाई में से 3, मतलब वाई में से 3 घट के जेड आया है, 3 से डिमिनिश किया ना हमने, 3 से घटाया है, तो ये जो है 3 घट के जेड आया है, तो जेड इक्वल टू वाई माइनस 3। तो फ्रेंड डिमिनिश करके जो इक्वेशन बना है उसमें आप ध्यान से देखिए, तो एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी वेरिएबल का जो एक्स के पावर क्यूब है उसका जो कोएफिशिएंट इसमें नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि जेड के फॉर्म में इसे कोई दिक्कत नहीं है, जेड हो वाई हो कोई भी हो वेरिएबल, उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसका क्यूब जो है नहीं होना चाहिए। यानी ये जो है डिस्कार्ड फॉर्मेट में है, इस पर हम जो डिस्कार्ड में लगा सकते हैं। तो डिस्कार्ड में लगाने के लिए इक्वेशन को सेम रिपीट करेंगे, इक्वल देंगे, उसके बाद जो ये फॉर्मेट आप याद रख लो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये ऐसे हम लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू, यहाँ पे जो फ्रेंड्स पी होगा और यहाँ पे माइनस पी होगा, प्लस पी और माइनस पी, क्यू और क्यू डैश, ये अलग अलग होगा, लेकिन ये जो है सेम होगा, बस साइन का अंतर होगा, प्लस होगा ये माइनस होगा। तो ये फॉर्मेट आप याद रख लो, जब भी डिस्कार्ड मेथड की बात हो वहाँ पे चपकाते रहो सेम फॉर्मेट, बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, बस लास्ट वाला में क्यों तो क्यों डैश, बस हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते, काफ़ी पेज जो है घेरेगा, तो इसको क्या करते हैं RHS लेते हैं इस साइड का। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा दो चीज़ में, तो इसको हम काट देंगे, काटने के बाद जो जो सेम पावर होगा उसको एक साथ करके कॉमन कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने कॉमन कर लिया जेड स्क्वायर, जो जो जेड स्क्वायर उसमें कॉमन कर लिया, जेड जो कॉमन है उसको कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट जो बचा उसको लास्ट में लिख दिया, जो कि क्यों 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 डैश है।
अब फ्रेंड्स हमें इक्वेट करना है, यानी जो गिवन इक्वेशन है हमारा जो आया है उससे हमें इक्वेट करना है इस इक्वेशन से, जो जो पावर वाला है जैसे कि जेड स्क्वायर वाला, ठीक है, जेड स्क्वायर और जेड और कांस्टेंट, तो ये रहा जेड स्क्वायर और ये आपका जेड और ये रहा कांस्टेंट, इससे हमें इक्वेट करना है। तो चलिए इक्वेट करते हैं, पहले जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को इक्वेट करेंगे तो इसमें से जेड जेड स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है और इसमें जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है -42 है, तो मैंने -42 लिख दिया, उस पी स्क्वायर को मैंने इस साइड भेज दिया और उधर आया क्यू डैश प्लस क्यू, इक्वेशन वन बोल दो इसको, ठीक है। उसी तरह से हम जेड का कोफिशिएंट को मैच करेंगे, तो यहाँ पे पी क्यू डैश माइनस पी क्यू है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपका 32 है प्लस में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 32, ठीक है। पी पी कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ पे पी दोनों में कॉमन, तो पी कॉमन क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल टू 32। अब जो पी कॉमन किया उसको इस साइड भेज दिया तो डिवाइड में हो गया 32 बाई पी, यहाँ पे ये अगर इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। और जो कांस्टेंट है क्यू क्यू डैश इक्वल टू 297, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट क्या आपका 297 और लास्ट में यहाँ पे क्यू डैश क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 297। अब फ्रेंड्स इक्वेशन और 2 मिल चुका है, हम क्या करेंगे पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर यानी इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर जो है माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके। तो LHS साइड लेंगे, RHS RHS साइड लेंगे, तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहा, तो इसको जो है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लिया। उसके बाद इक्वेशन 2 जो कि ये आपका रहा, ये रहा क्यू डैश माइनस क्यू, इसको स्क्वायर कर लिया, अब माइनस भी कर दिया स्क्वायर करके। तो और जो है आरएचएस साइड में आप देख सकते हो जो भी है आपका इक्वेशन उनका पी स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर माइनस उसके बाद 32 बाई पी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। करने के बाद जो पहले जो एलएचएस सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस को स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से टूट जाएगा, टूटेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, टूटने के बाद जो कट जाएगा काफ़ी चीज़ें, क्यू डैश क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 2 क्यू डैश यहाँ पे, 2 क्यू डैश इसमें बचेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे जो कि 4 क्यू डैश आएगा। इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी के पास 4 प्लस 1764 माइनस 84 पी स्क्वायर माइनस 1024 बाई पी स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये तो आपको करना ही आता ही होगा नॉर्मल, ये तो आपका मैथमेटिक्स है। तो उसके बाद जो ये उसके बाद फ्रेंड्स इसको सेम रिपीट करके यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे 4 × 297 कहाँ से है, क्यू क्यू डैश का वैल्यू है जो कि क्यू क्यू डैश का वैल्यू 297 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे प्रोसेस करेंगे तो देखिए जो ये पी स्क्वायर है अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 × 297 मल्टीप्लाई किया तो 188 आया। फिर इसको सेम रिपीट पोस्ट लिख दिया ऐसे ही। अब क्या किया मैंने, पी स्क्वायर जो यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से ही आएगा, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। और इसको अरेंज करेंगे यानी इस 1188 पी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे जो कि 1764 पी स्क्वायर में से माइनस होगा, तो जो कि 576 पी स्क्वायर बचेगा, तो इसको उठा के इस साइड लाए तो ये कुछ इस तरह से बना इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, पी के पावर 6 जो कि बहुत हाई पावर होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी जहाँ पी स्क्वायर है वहाँ पे हम टी रख देंगे। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं जिससे हमें पी स्क्वायर मिल जाए, तो मैंने जो इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ भी पी स्क्वायर वहाँ पे टी रख दिया मैंने, तो टी क्यूब यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये फॉर्मेट बन गया। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी का जो है 3 वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू, तो हमें जो इससे मतलब है जो उठपटांग आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो अब जिसका स्क्वायर हो पा रहा है, जिसका स्क्वायर रूट हो पा रहा है उससे हम लेंगे जो कि 4 है, तो 4 को हम आगे के यूज कर रखेंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 है, ठीक है, टी इक्वल टू 4 आया तो पी स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू 4 ही आएगा क्योंकि टी पी स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे क्या पी इक्वल टू प्लस माइनस 2 जो कि हमें प्लस लेना है माइनस नहीं लेना है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 में रखना है, इक्वेशन 1 और 2 क्या था फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 हमारा ये वाला था, अब इसमें हम जो वैल्यू रखेंगे पी का, तो पी का इसमें वैल्यू रख दिया जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे रख दिया, पी इक्वल टू 4 आप देख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 42 इक्वल टू माइनस 38 इक्वेशन 3 बोल दिया इसको, ठीक है। उस तरह से इक्वेशन 2 में हम रखेंगे, तो इक्वेशन 2 में फ्रेंड्स ये रहा इक्वेशन 2, ये जो है इक्वेशन 2 था, ठीक है। अब इसमें जो है क्यू डैश यहाँ पे जहाँ पे पी का वैल्यू वहाँ पे 2 रख दिया, 32 बाई पी इक्वल 16, उसके बाद ये जो आया उसको इक्वेशन 4 दी बोल दिए। अब इसमें क्यू और क्यू डैश का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 3 और 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्यू माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश दोनों कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्यू डैश जो कि 2 क्यू डैश हो जाएगा, ये 16 और माइनस 32 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने 38 प्लस 16 तो ये जोड़ा -22 आ गया और ये भी 2q आ गया क्योंकि ये वाला कट गया, 2q आ गया। अब फ्रेंड्स आगे करेंगे तो क्यू डैश इक्वल टू -11 आ जाएगा, उसको इक्वेशन 4 में रखेंगे जो कि हमारा ए वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू डैश आ चुका है, क्यू निकालना है इसमें रख के, तो 4 में रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो इसमें -11 -q इक्वल टू 16, तो -q इक्वल टू 16 प्लस 11 आ जाएगा जो कि -q इक्वल टू 27 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे,
तो क्यू का वैल्यू हमारे यहाँ से निकल कर आएगा, माइनस इस साइड भेज देंगे तो क्यू इक्वल टू माइनस 27 और क्यू डैस इक्वल टू माइनस 11। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्यू आ चुका है, क्यू डैस आ चुका है, पी आ चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हम लेट किए थे उसमें पुट करते हैं। देखिए हमारा यही लेट किया था ना, यही फॉर्मेट आपको बताते हैं, यही चपकाते रहना आपको। तो सेम जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू और जेड स्क्वायर माइनस पी जेड प्लस क्यू डैस, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हम रख दिए, जहाँ पे पी है वहाँ पे पी का वैल्यू, जहाँ पे क्यू डैस है वहाँ पे क्यू डैस का वैल्यू, और जहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्यू का वैल्यू। तो जैसे ही पुट करेंगे तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है ना, इसका दो इससे निकल के आएगा, दो इससे निकल के आएगा, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू माइनस वन प्लस टू अंडर रूट सेवन है, जेड इक्वल टू वन, इसका जो निकल के आएगा प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री। तो फ्रेंड्स ये जेड का वैल्यू है, फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हमें देखिए अब यहाँ से जो है जेड इक्वल टू वाई माइनस थ्री, वाई का वैल्यू निकालेंगे अब, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों हम मान चुके हैं, एक्स तो था ही उसमें, वाई भी माने हैं, जेड भी माने, तो जेड आया है, अब वाई निकालेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो है तीन इस साइड जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, यानी जेड में हमें तीन जोड़ेंगे तो वाई मिलेगा। तो देखिए जो जेड का वैल्यू है उसमें मैंने तीन जोड़ दिया, इसमें जो हम तीन जोड़ेंगे तो तीन जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए तीन जोड़ दिया मैंने तो ये आ गया टू प्लस प्लस माइनस टू अंडर रूट सेवन। ठीक है, वाई का वैल्यू आ गया कुछ इसी तरह से, सेम इसको भी करेंगे, इसमें भी हम तीन जोड़ देंगे जेड में। ठीक है, क्योंकि ये भी तो जेड सॉरी वाई में से थ्री घटाने के बाद ही आया, तो इसको हम जेड में थ्री जोड़ दिए तो कुछ इस तरह से आ गया, तीन जोड़ दिया। अब यहाँ पे फोर प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया वाई का वैल्यू। देख सकते हैं आप वाई का वैल्यू दोनों निकल के आएगा, लेकिन वाई हमारा फाइनल आंसर नहीं है, एक्स फाइनल आंसर है। तो चलिए एक्स निकालेंगे, एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्स के लिए फ्रेंड्स हम वाई इक्वल टू टू एक्स माने थे। ठीक है, आप देख सकते हैं दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना हमें, दो रूट्स को उसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें जो वाई का वैल्यू है उसे तो टू से डिवाइड करना होगा, यानी इसको हमें टू से डिवाइड करना होगा। टू से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से तो ये हमारा ये वाई। सेम इधर के साइड भी जो है हम एक्स को सॉरी वाई को टू से डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे वाई का वैल्यू है उसे टू से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये एक्स का वैल्यू आ गया जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का जो चार रूट्स आ गया, बाई क्वाड्रेटिक होने के कारण जो चार रूट्स आएगा इसके, तो वन प्लस माइनस वन रूट सेवन, टू प्लस माइनस वन रूट थ्री। फ्रेंड डिस्कार्डेड मेथड थोड़ा जो है लेंदी होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार समझ आने